जब भी पार्टीज होती है तो लास्ट मोमेंट पे हमें समझ नहीं आता कि मिठाई में क्या बनाया जाए, और कभी कभी हमें इतनी कॉम्प्लिकेटेड लगती है कि हम बाजार से ही लेकर आ जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शिल्पी एंड वेलकम टू फूड्स एंड फ्लेवर्स। आज मैं आपके लिए लाई हूँ ब्रेड से बनने वाली बहुत ही यमी और टेस्टी मिठाई। जल्दी से बना सकते हैं इसको और सबको बहुत पसंद आती है, तो आइए देखते हैं इसको कैसे बनाया जाता है। इस स्वीट को बनाने के लिए सबसे पहले हम चाशनी या शुगर सिरप बनाएंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है और इसमें डाल रही हूँ मैं आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी। इसमें हम डाल देंगे आधा कप चीनी या शुगर या शक्कर, तो जो पैन आप शक्कर यूज़ करने में लें उसी से पानी डालें। इसमें डाल देंगे दो इलायची जिसको कि हल्का सा मैंने क्रश कर दिया है। इसमें डाल देंगे थोड़ा सा ज़ाफ़रान या सैफ्रन या फिर जिसे हम केसर भी कहते हैं। इन सभी को हम बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे, तो इसको लगातार चलाते रहें, नहीं तो अब की जो शक्कर है वो नीचे लग जाएगी। हमारी शुगर अब अच्छे से घुल चुकी है, तो अब हम इसको करीब 6 से 8 मिनट तक उबालेंगे अच्छे से, जिससे कि चाशनी जो थिक हो जाए। तो हमें यहाँ पर एक तार की चाशनी बिल्कुल नहीं चाहिए है, पतली चाशनी चाहिए लेकिन स्टिकी होनी चाहिए अच्छे से। चाशनी को पकाते हुए मुझे 8 मिनट हो चुके हैं, तो आप देखें कि ये काफ़ी स्टिकी हो गई है। ये देखें स्टिकी हो गई है, पर इसमें कोई भी तरह का तार नहीं आया है, तो बिल्कुल इसी तरह की चाशनी चाहिए। हम आज को बंद कर देंगे और इसको साइड में रखेंगे, और आइए अब अपने डो की तैयारी करते हैं। डो बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 5 पीस ब्रेड के लिए हैं। हम इनके साइड्स इस तरह से काट के निकाल देंगे। आप कोई सा भी ब्रेड यूज़ कर सकते हैं। आज यहाँ पर मैंने व्हीट ब्रेड या आटा ब्रेड यूज़ किया है। तो इस तरह से हम सारे ब्रेड के जो पीसेज हैं उनको छोटा छोटा तोड़ के इस बाउल में डालेंगे और साइड्स भी निकाल देंगे। तो ये देखें हमारी ब्रेड तैयार है, और अब हम लेंगे ये दूध। तो ये उबला हुआ दूध है पर रूम टेम्परेचर पे है, और इसमें मैंने मलाई जो है वो रखी हुई है दूध की। तो थोड़ा थोड़ा करके बिल्कुल दूध डालेंगे और इसका एक डो बनाएंगे। तो याद रखिएगा दूध बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके डालें, क्योंकि जो ब्रेड है वो बहुत ज़्यादा दूध एब्जॉर्ब नहीं करती है। अगर आप एकदम से बहुत सारा डाल देंगे तो जो हमारा डो है वो ठीक नहीं बनेगा और बहुत गीला हो जाएगा। तो इसको अच्छे से मारें जिससे कि इसमें कोई भी लम्स या गांठें ना रहें, एकदम स्मूथ डो बनाए। तो यहाँ आप डो की कंसिस्टेंसी देख लें, बहुत गीला नहीं है। अगर आप बहुत गीला डो लगा देंगे तो ये जो है जब आप इसको फ्राई करेंगे तो ये फट सकता है। तो अब मैं हाथों में थोड़ा सा घी लूँगी बिल्कुल, और इस डो के ऊपर लगा दूँगी अच्छे से। ये देखें कुछ इस तरह से, और आइए अब हम इनके गोले बनाएंगे। तो डो हमारा तैयार है। अब हम क्या करेंगे, हाथों में छोटे छोटे से इसके बॉल्स लेंगे इस तरह से। इसको हाथों में गोल करें और इस तरह से दबा दें इसको। ये देखिए तो इस तरह के जो हैं हमें सर्कल्स बनाने हैं इनके। तो देखिए तैयार है। अब हम फिर से एक बार अपने हाथों में घी लेंगे, अच्छे से ग्रीस करेंगे, और इनके जो साइड्स हैं वो इस तरह से कर देंगे स्मूथ, जिससे कि इनका तेल में फटने का कोई भी चांस नहीं रहेगा। ये देखिए तेल हमारा जो है वो गर्म हो चुका है, इनको फ्राई करेंगे। तो हम इनको गरम तेल में डालेंगे, तो बहुत ज़्यादा तेज़ गरम नहीं होना चाहिए तेल। इनको हम थोड़ी देर सिकने देंगे, उसके बाद ही पलटेंगे। इनको पलट दें और उलट पलट के सेकना है हमको, जब तक एकदम गोल्डन ब्राउन और क्रिस्प ना हो जाए। तो ध्यान रखिएगा आंच को फुल पे ना रखें, नहीं तो अंदर से थोड़े कच्चे रह जाएंगे, क्रिस्पी नहीं बनेंगे। ये देखिए बिल्कुल तैयार है, अच्छे से ब्राउन हो गए हैं और फूल गए हैं। हम इनको निकाल लेंगे, और आइए हम इनको शुगर सिरप पे डिप करेंगे। इनको हम चाशनी में डिप करेंगे। तो चाशनी जो है वो बिल्कुल ठंडी नहीं है, हल्की सी गर्म चाशनी है। अगर आप बिल्कुल ठंडी चाशनी डालेंगे तो ये जो है एब्जॉर्ब नहीं करेंगे चाशनी को। और अब हम क्या करेंगे, इनको अच्छे से पलट देंगे एक बार। ये देखिए कुछ इस तरह से हम इसको कवर कर देंगे, और 5 मिनट बाद आके हम इस बार इनको फिर से उल्टेंगे पलटेंगे। अभी 5 मिनट हो चुके हैं, हम इसको एक बार फिर से जो है फ्लिप कर देंगे अच्छे से। ये देखिए, और अब हम इसको कवर कर देंगे और कम से कम 10 से 15 मिनट तक इसी तरह से चाशनी में डूबा रहने देंगे। 15 मिनट चाशनी में रखने के बाद मैंने इनको निकाल लिया था। हम इनको गार्निश करेंगे अब महीन कटे पिस्ते और बादाम के साथ। बहुत ही टेस्टी और बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करें एंड आई एम श्योर ये आपको बहुत पसंद आएगी। तो अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।